हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरी वन। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखेंगे। टॉपिक है एक प्रकार से कह सकते हैं, जिसमें कि आपको मैंने प्रिंटर के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया था पहले ही। कंप्यूटर का जो टॉपिक है कह सकते हैं जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसकी बहुत क्लासेस होगी। अब मैं आपको अभी तक है जितना भी चल रहा है कंटिन्यू करेंगे ही, और लास्ट में देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में लेटेस्ट किस टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो इन टॉपिक को करके इसको ओवर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिया गया है। लेकिन जितना सिलेबस में है और जितना आता है उतना हम आपको पूरा करवाएंगे। आज का जो टॉपिक है, यहाँ पर हम प्रिंटर के टाइप को देखेंगे। मैंने इसके पहले जो क्लास प्रिंटर की ली हुई थी उसको ज़रूर देख लिया, ताकि आपको हर एक चीज़ पता रहे। और प्रिंटर के टाइप के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आज उसमें जो टॉपिक है उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको हम डिस्कस करेंगे। आप सभी शालनी क्लास के साथ बने हुए हैं। मैं हूँ शालनी, शेयर करती हूँ आपके साथ यहाँ पर डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासेस। आपका 8 सब्जेक्ट आपके डीलेट में है। आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी क्लासेस चल चुकी है। मैंने हर एक सब्जेक्ट में लगभग आपको आधे से ज़्यादा कवरअप कर दिया है। सो फ्रेंड्स, डेली टाइम पर आइए। आपकी क्लासेस 2 चल रही है, एक शाम को 4 बजे चल रही है और शाम को 5 बजे चल रही है, और टेस्ट भी आपके हो रहे हैं। तो आप डेली आइए क्लास को, टाइम पर ज्वाइन करिए सभी बच्चों के साथ। आपको बस एक काम ये करना है कि टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। आप वहाँ से अपडेटेड रहेंगे तो आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो क्लास मिस हो जाती है, तो वहाँ पर लिंक आपको दिया जाता है हर क्लास के होने से पहले, तो आपको ताकि वहाँ से कनेक्ट कर लिया जाए। और बहुत सारे क्विजेस वहाँ पर होते हैं, पोल्स होते हैं, बहुत कुछ वहाँ पर जानने को मिलता है, इसलिए आप वहाँ पर कनेक्टेड रहेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं आज इस क्लास को। बस फ्रेंड्स, एक काम करना है कि आपको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्लास आपको अच्छी लगती है तो जेन्युइन से आप लाइक करिएगा अपने मन से, और जाने से पहले एक कमेंट भी बताते हुए जाइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल हो जाता है। आइए देखते हैं कंप्यूटर की क्लास यहाँ पर क्या पढ़ होने वाली है, देखेंगे ध्यान से। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि 2 प्रकार होते हैं प्रिंटर के, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है कि जिस चीज़ की छाप पड़े। इम्पैक्ट का मतलब यही होता है ना कि छाप पड़ना, तो इम्पैक्ट का मतलब यहाँ पर है कि छाप पड़ रही किसी चीज़ की, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट का मतलब है कि एक प्रकार से कोई असर नहीं पड़ रहा है, छाप नहीं पड़ रही। अब इनमें भी बहुत सारे टाइप है, उनको मैं आपको बताने चल रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इस बात को जानेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है। जब हम इम्पैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आइए जानते हैं कि है क्या। आपको 2 नंबर का प्रश्न बनेगा, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, आप इम्पैक्ट प्रिंटर से क्या समझते हैं। तब आप वहाँ पर अपनी कॉपी में आंसर राइट करेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर को कहा जाता है जो अपनी छाप छोड़ देते हैं, जो अपनी छाप जब प्रिंट करते रहते हैं तो अपनी छाप को वो छोड़ते हैं। अर्थात इन प्रिंटर में आवाज़ भी होती है। ये ऐसे प्रिंटर होते हैं जब ये प्रिंट करते हैं या इनका इस्तेमाल करके कोई चीज़ प्रिंट की जाती है, तब ये टक 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 जैसी एक आवाज़, एक साउंड देते हैं। जो इसमें अक्षर होते हैं वो ठोस होते हैं। इनके जो अक्षर होते हैं वो काफ़ी सॉलिड होते हैं, चौड़े छाप के होते हैं और ठोस होते हैं। जैसे कि टाइपराइटर प्रिंटिंग, जब टाइपराइटर पर प्रिंटिंग होती रहती है तो देखिए टक टक सी आवाज़ आती है, देखा है कि नहीं टाइपराइटर की प्रिंटिंग को कभी, तो वो प्रिंटिंग जैसी होती है जिसकी सभी प्रोसेस टाइपराइटर की तरह होते हैं। जो ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसके बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो टाइपराइटर जैसे होता है उसके तरह ही होते हैं, ये उसके जैसे ही वर्क करते हैं। पहले प्रिंटर नहीं होते थे, पहले ये टाइपराइटर ही हुआ करते थे, इन्हीं के बेस पे इनको बनाया गया है, इसीलिए बहुत सारी सिमिलरिटीज़ दोनों में देखने को मिलती है, ठीक है। टाइपराइटर की तरह होते हैं जिसमें मेटल आदि होता है, इसमें बहुत सारे जो है मेटल और हैमर लगे होते हैं जो प्रिंट करते हैं, जैसे जिसमें अक्षरों की छाप बनी होती है इसको हैमर कहा जाता है। अथवा या तो हैमर आपके या तो प्रिंट हेड गई है जहाँ पर ऊपर की तरफ वो प्रिंट बनेगा, क्योंकि जब प्रिंट करते हैं तो ऊपर एक स्केल रहती है, नीचे उसका पेज रहता है, तो वहाँ पर वो प्रिंट होते जाते हैं रिबन और कागज़ से टकराते हुए वो प्रिंट करना। सो रिबन और कागज, ऊपर रिबन लगा रहता है नीचे कागज़ रहता है, तो वो उस पर टच करते हैं और वो प्रिंट करना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आवाज़ भी निकलती है और प्रिंट होता भी जाता है, और जो वर्ड छपता है, जो लेटर छपता है, वो काफ़ी मोटा और बड़ा होता है, इस तरीके से देखने को मिलता है। वैसे भी कोई चीज़ अगर टाइपराइटर पर प्रिंट हुई है तो देखो वो थोड़ा सा उभरी उभरी सी, आप उसको टच करो तो आपको ऐसा लगता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको इनके बारे में जब अगर पूछता है, 1 नंबर का प्रश्न आता है, तो आप इतनी ही बात लिखकर ओवर मतलब ओवर कर सकते हैं, इतना इनफ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इनके कुछ एग्जांपल, मतलब इनमें इम्पैक्ट प्रिंटर में भी कई सारे टाइप आते हैं। यहाँ तक ये बात आपको क्लियर हो गई फ्रेंड्स, समझ में आया सभी को।
आइए फिर यहाँ पर आप देख लिए हैं कि इनके बारे में क्या बताया गया नॉन इम्पैक्ट के बारे में, कि यहाँ पर इनका जो छपाई है वो ज़्यादा आसान होता है, यहाँ पर लेज़र प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके प्रिंट किया जाता है, जैसे उसमें होता था उसमें नहीं होता है, तो ये काफ़ी बढ़िया रहता है और ईजिली वे में काफ़ी कुछ इसमें हो जाता है। इसमें जो प्रकार आते हैं वो एक लेज़र प्रिंटर है, एक फ़ोटो प्रिंटर है जो कि बहुत प्रश्न बनाता है, साथ ही साथ यहाँ पर इंकजेट है, पोर्टेबल है, मल्टी फंक्शनल है और थर्मल प्रिंटर, इनसे प्रश्न यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनता है। आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अब आइए एक नया टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नई श्रृंखलाओं को स्टार्ट करते हैं। देखिए इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में अंतर क्या है, ये आपको दो नंबर के लघुत्तरी में आएगा। अति लघुत्तरी एक नंबर का आता है, लघुत्तरी दो नंबर का आता है। अब यहाँ 18 प्रश्न आपको टोटल आएगा, ठीक है, 25 नंबर का पेपर होगा, सारी बातें साथ साथ बताती चल रही हूँ। अब आपको देखना क्या करना है, यहाँ पर है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में अंतर, डिफरेंस क्या है दोनों में। अब आइए एक एक को जानते हैं, इसको भी आप जो है मतलब इसको भी अगर तैयार है तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर बहुत ही क्लियर तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें दी गई उनको आपको समझने का प्रयास करना होगा कि क्या चीज़ें हैं। पहला है कि इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग के समय आवाज़ बहुत अधिक, जब इम्पैक्ट प्रिंटर का इस्तेमाल करके कोई चीज़ प्रिंट किया जाता है तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है जिसकी वजह से दिक्कत होने लगती है, क्योंकि आप जब एक आवाज़ को बार बार सुनोगे तो वो आपके दिमाग में मतलब वो एक दिक्कत देगा। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में आवाज़ बहुत मामूली होती, बहुत छोटी आवाज़, बहुत ही एकदम पीसफुली आवाज़ रहती, दिक्कत नहीं होती है। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उपयोग ग्राफिक्स में नहीं किया जाता, इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज़ हम ग्राफिक्स में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ के फॉर्म में ग्राफिक्स जैसे बनाया जाता है, डिज़ाइन बनाई जाती है, हम उस तरीके से इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम इनका बखूबी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, इम्पैक्ट प्रिंटर केवल कागज़ पे ही प्रिंट किया है। इम्पैक्ट प्रिंटर में एक बात यह है कि ये सिर्फ जो A4 शीट का कागज़ है, कैसा भी कागज़ हो, सिर्फ उसी के ऊपर ये प्रिंट करते हैं। लेकिन नॉन इम्पैक्ट में ये खूबी होती है कि ये कागज़ पे भी कोई इनके अलावा इमेजेस है या कोई प्लास्टिक का है या कपड़े हैं, कुछ भी है उस पर ये आराम से प्रिंटिंग कर देते हैं। जैसे कि आपने होल्डिंग्स देखी होगी, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, बैनर देखा होगा, देखा है ना, रोड साइड पर लगे रहते हैं, ब्रिजों पे, ओवरब्रिज पे लगे रहते हैं, देखा है कि नहीं देखा है। तो आप होल्डिंग्स देखते हैं, स्कूल का ऐड वगैरह हो रहा है तो उसको देखते हैं, तो वो सब प्लास्टिक के तो रहते हैं इसी वजह से, तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का इस्तेमाल करके प्रिंट किए जाते हैं। आगे आइए, इम्पैक्ट प्रिंटर को हम एक साथ कई कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि हम एक टाइम पर मल्टीपल पेजेस में उस सेम चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन यही बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट की, तो हम उनमें सिर्फ एक बार में एक ही कॉपी को प्रिंट कर सकते हैं, मतलब एक ही पेज पे उस चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, एक टाइम में मल्टीपल चीज़ को, मल्टीपल पेजेस पे एक चीज़ को नहीं प्रिंट कर सकते हैं, तो ये इनमें एक ड्रॉबैक भी देखने को मिलता है। आगे आइए, इम्पैक्ट प्रिंटर में कागज़ व हेड के रिबन के माध्यम से भौतिक संपर्क होता है, जबकि भौतिक संपर्क का मतलब है कि ऊपर की तरफ मतलब जैसे कागज़ ये रखा है तो इसके ऊपर ऐसे आपके रिबन लगे होंगे, इन रिबन में आपकी इंक ऊपर से फिलअप होगी और इसमें अल्फ़ाबेट्स छपे रहते हैं, तो ये इसको टच करते हैं और ये टक 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 करके इसको प्रिंट करते जाते हैं। लेकिन जब बात आती है नॉन इम्पैक्ट की तो इसमें कोई टच नहीं होता, भौतिक संपर्क नहीं होता, ये बीम के द्वारा ऊपर से पास होता है और उस बीम के थ्रू इसमें अपने आप लेटर्स जो हैं वो छप जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कागज़ और हेड के रिबन के माध्यम से भौतिक संपर्क होता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट में कागज़ और हेड के कोई संपर्क नहीं होते हैं और इंकजेट और लेजर तकनीक का प्रयोग करके इस पर प्रिंट किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर पुरानी टेक्निक पर यूज़ होते हैं, नॉन इम्पैक्ट नई टेक्निक पर बनाकर प्रिंट करते हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आगे आइए, कहा जा रहा है नेक्स्ट यहाँ पर है, इम्पैक्ट प्रिंटर में एक ही इंक का प्रयोग कर सकते हैं, पॉटिंग के एक ही इंक का आप एक ही बार में मतलब कर सकते हो, लेकिन नॉन इम्पैक्ट में हम कई इंकों को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को बहुत क्लियर तरीके से ध्यान रखिएगा, इसका मतलब एक बात ये जाहिर होती है कि अगर इम्पैक्ट प्रिंटर से कोई कलरफुल चीज़ निकाल रहे हैं तो अगर वो रेड निकल रही तो रेड निकलेगी, ब्लैक निकलेगी, ब्लैक निकलेगी, कोई और कलर निकल रहा है तो वो सब कुछ एक जैसा निकलेगा, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में है तो हम जो इमेज जिस कलर में है उस कलर में ही हम निकाल लेंगे, तो क्योंकि हम प्रिंटर मतलब जब प्रिंट करवाते हैं तो ब्लैक एंड वाइट में भी करवाते हैं और कलरफुल भी करवाते हैं, क्लियर। आइए इसी के साथ फिर यहाँ तक हो गया है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब मैं आपको उन्हीं टॉपिक्स प्रिंटर पे बताऊंगी, जैसा कि मैंने आपको इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के जो सब टाइप्स थे वो भी बताया, प्रश्न कैसे आएगा वो भी बताया, लेकिन अब आपको सिर्फ वही प्रिंटर के बारे में हम बताएंगे जिससे प्रश्न बनेगा।
जो इम्पॉर्टेंट है। बाकी कहिए कि सारे टाइप बताने का तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा क्योंकि आता नहीं है प्रश्न, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब आइए एक एक चीज़ को यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं। जैसे इंकजेट प्रिंटर है, ये क्या होता है इस बात को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले है इंकजेट प्रिंटर का उपयोग सामान्य और बिजनेस कंप्यूटर यूज़र के द्वारा अधिकतर किया जाता है, ठीक है। जो इंकजेट प्रिंटर होता है इसका जो एक नॉर्मल बिजनेस है या बिजनेस कंप्यूटर है, सामान्य तरीके से हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो पेपर पर मैग्नेटिक प्लेट का उपयोग करके इंक का छिड़काव करते हैं और कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। ये इंकजेट प्रिंटर ऐसे होते हैं जिनमें इंक का इस्तेमाल तो सभी में होता है, लेकिन ये छिड़काव विधि का कुछ इनका पैटर्न रहता है, ये उसको बिल्ड करके कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। इसमें एक पेपर फीड असेंबली और इंक का कॉर्टेज होता है, प्रिंटर हेड होता है, स्टेबलाइजर का एक बार होता है, बेल्ट का प्रयोग होता है। तो ये इनके बारे में है, कभी कभी आ जाते हैं प्रश्न, नहीं तो नाम से ही थोड़ा ध्यान रखना रहता है। अब इनके फ़ायदे क्या क्या होते हैं ये देखिए। इंकजेट प्रिंटर में हाई क्वालिटी वाले आउटपुट को प्रदान करने की कैपेसिटी होती है। इनकी जो प्रिंटिंग का लेटर होता है वो इतना बखूबी, इतना बढ़िया, इतना हाई क्वालिटी का होता है कि वो उन चीज़ों को बहुत प्रॉपर ही तरीके से समझाता है, मतलब अच्छा दिखता है देखने में, देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। तो हाई क्वालिटी वाले आउटपुट को ये अच्छी एक कह सकते हैं कि बढ़िया प्रिंट करते हैं, अगर हम इनका इस्तेमाल करके प्रिंट करते हैं तो। आगे आते हैं इसी के साथ, यह प्रिंटर अन्य प्रिंटर की तुलना में अधिक तेज़ और उपयोग में आसान होते हैं। ये जो प्रिंटर होते हैं इन कंपेरिजन टू अदर प्रिंटर, ये काफ़ी ईजी होते हैं इनको यूज़ करना और काफ़ी आसान होते हैं। इस प्रिंटर में वार्म अप समय नहीं देते, मतलब जैसे मशीन होती है वो स्टार्टिंग का समय लेना, स्टार्ट होना, कार्य करना, तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं होता है, ये तुरंत ही एक्टिव होकर मतलब तुरंत ही वर्क करने लगते, नहीं तो और मशीन थोड़ा वर्क लेती है। जैसे आप सिस्टम को खोलते हैं तो आप उसको रिफ्रेश करते हैं, उस तरीके से इसमें ऐसा कोई कार्य नहीं होता है। आगे आते हैं, अब बात करते हैं दूसरा प्रिंटर है जो कि है लेज़र प्रिंटर। अब ये क्या होता है ये देखते हैं। लेज़र प्रिंटर एक प्रकार के कंप्यूटर प्रिंटर हैं जिसमें लेज़र बीम का इस्तेमाल करके कागज़ पर चित्र और टेक्स्ट को प्रिंट, इसमें हम लेज़र बीम का इस्तेमाल करके ऊपर से लाइट को पास करते हैं और चीज़ें जो हैं वो पेपर में A4 शीट है कुछ भी उसमें प्रिंट होती जाती हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लेज़र प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जिसमें कागज़ की स्याही पेपर इंक के स्थान पर लेज़र बीम का प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इंक की स्याही का इस्तेमाल नहीं बीम का होता है, ठीक है, ध्यान से यहाँ पर समझना है ये बात जानिएगा। लेज़र प्रिंटर को पेज प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है, लेज़र प्रिंटर को हम पेज प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक बार में पूरे पेज को प्रिंट करता है, जो कि क्या करता है पूरे एक बार में पूरे पेज को, होल पेज को प्रिंट करता है। आगे देखिए, लेज़र प्रिंटर का उपयोग मुख्य रूप से प्रिंटिंग में, स्कैनिंग में, जब हम स्कैन करते हैं, जेरोक्स करवाने जाते हैं तो स्कैनिंग होती है ना, फोटोकॉपी है, फैक्स वगैरह कार्य होता है, तब यहाँ पर लेज़र प्रिंटर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर लेज़र प्रिंटर हाई क्वालिटी के चित्र, कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी के इमेजेस होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, टेक्स्ट को प्रिंट करता है, कलरफुल रंगीन प्रिंटिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, लेज़र प्रिंटर का इस्तेमाल नाउ डेज में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि काफ़ी जो भी प्रिंट किया, कोई पेज है, सीनरी है, किसी की पिक्चर्स है और नेचर की पिक्चर है, कुछ भी एनीथिंग, तो बहुत बढ़िया प्रिंट करता है, तो एकदम क्लियर टेक्स्ट रहता है, टेक्स्ट की कोई चीज़ है तो बढ़िया है। इंकजेट प्रिंटर की तुलना में लेज़र प्रिंटर अधिक समय तक चलते हैं। इंकजेट प्रिंटर जो होता है, क्योंकि इंक वगैरह ख़त्म होती है, ख़राब होती है, फंस जाती है, उसका कॉर्टेज सूख जाता है तो उसको चेंज करना पड़ता है, लेकिन लेज़र बीम जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा समय तक चलता है और बहुत अच्छा भी रहता है। यहाँ पर कहे जाए इसका प्रयोग जो है बिजनेस में भी किया जाता है ज़्यादा तरीके से। यह प्रिंटर तेज़ गति से प्रिंटिंग करता है, इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा, क्योंकि इसके प्रिंट करने की जो स्पीड है वो क्षमता ज़्यादा है, कम समय में जो जितना कार्य देगा एम्प्लॉय उसी को रखा जाएगा, तो इन स्थानों पर कम समय में बड़ी मात्रा में चीज़ों को प्रिंट करने की आवश्यकता, जैसे स्कूल में कोई नोटिस देनी है या कुछ भी करना है, दुकान पे, हॉस्पिटल्स में, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र प्रिंटर काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसके प्रिंटिंग की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी होती है, उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत बेस्ट होती है, इसीलिए ये काफ़ी बढ़िया होता है। लेज़र प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है, इसमें जो स्याही होती है वो सूखी होती है, ड्राई फॉर्म में होती है, और जिसे बार बार बदलना पड़ता है, यदि इसमें कोई कागज़ गीला है तो प्रिंटर पर कागज़ को प्रिंट नहीं करेगा। अगर आप देखते हैं कि आपने कोई पेज को जो जिसे प्रिंट करना है लगाया है, या कोई इमेज है, कुछ भी है, तो वो अगर वो गीला है, हल्का सा भी वेट है, तो आपकी प्रिंटिंग उतनी बढ़िया मतलब प्रिंट करेगा ही नहीं उस पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ में आया फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये टॉपिक क्लियर रहा आपको, ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई, आपको ध्यान से देखना, आपको इस चीज़ को समझना होगा, ठीक है, बहुत ही क्लियर तरीके से, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा
आपको एक दो बार आएगा प्रश्न, आप 100% श्योर रहिएगा आएगा प्रश्न इस चीज़ को, इसलिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझते हुए चलिए आगे आइए। इसी के साथ बढ़ते हैं नई चीज़ों को देखते हैं। अब बारी है इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर के, इनके डिफरेंस को जानने की, क्योंकि इनका डिफरेंस लिखने को आएगा। ये लेज़र प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की तुलना में महंगा होता है। लेज़र जो है वो काफ़ी महंगा होता है और ये इंकजेट जो होता है वो सस्ता होता है। इनमें इंक की जगह पर टोनर के रूप में सूखे ड्राई फॉर्म में इनकी इंक को यूज़ किया जाता है। इनका जो है वो स्याही के रूप में रहता है, इसलिए ये जल्दी सूख भी जाते हैं और ये जल्दी सूखते नहीं, क्योंकि टोनर के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रिंटर में स्याही लंबे समय तक चलती है, जिसके कारण स्याही को बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसमें जो है स्याही जल्दी नहीं चलती, वो क्योंकि ड्रॉप ड्रॉप के फॉर्म में लिक्विड में रहती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। इंकजेट की तुलना में इनका खर्च कम होता है, इंकजेट में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और इन प्रिंटर का इस्तेमाल करके सामान्य पेज PDF ये सब प्रिंट किए जाते हैं और इनका प्रयोग करके ज़्यादातर जो है आप देख सकते हो कोई एक ही चीज़ है कलरफुल है तो उसी को प्रिंट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। इस प्रिंट में नोजल नहीं होते हैं, नोजल ऐसे होते हैं मतलब डिपर टाइप के होते हैं नोजल, जिसमें कुछ नुकीला रेड टिप करने के लिए, तो इसमें जब ऊपर से ही पास होता है तो नोजल की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें नोजल जो होते हैं तभी वो कुछ आते हैं वो खुलते हैं। जैसे नोजल क्या होता है, कोई चीज़ आ रही है वो यहाँ पे कुछ ऐसा क्लिप वगैरह रहती है कि वो खुलेगी इंटरप्रिंट वगैरह छप जाएगा और वो आगे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है, आगे आइए चलते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखिए, अब बात कर लेते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। फ्रेंड्स, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, आराम से और हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। आपको अगर एक बार नहीं समझ में आता दो बार आप देख लीजिए, आपको हर चीज़ आ जाएगी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, ये एक प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो स्याही वाले रिबन के द्वारा चित्रों और अक्षरों को प्रिंट करते हैं, ठीक है। इनके जो रिबन होते हैं उसमें स्याही लगी होती है और ये यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये अक्षरों और उन चीज़ों को प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, देखिए क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर अपनी छाप को छोड़ते हैं, इसलिए आवाज़ भी करते हैं ये। एक समय में केवल एक ही कैरेक्टर को प्रिंट, डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ये जो है प्रिंट करते हैं। इस प्रिंटर में एक हेड होता है जो चित्र और अक्षरों को प्रिंट करने के लिए दाएँ से बाएँ और बाएँ से दाएँ घूमता रहता है और ये एक बार में एक ही को प्रिंट करते हैं। आपको कुछ चीज़ें इनको बस समझनी है, देखना है, थोड़ी थोड़ी बातें इनके बारे में लिख लेनी है नोट्स में, अदरवाइज़ जो जो चीज़ें प्रश्न में आएंगी वो उस समय आप कुछ ऑप्शन में आएगा तो कर ले जाएंगे, अगर ऑप्शन नहीं आता है तो आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के फ़ायदे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे हैं, इस चीज़ को यहाँ पर जानेंगे। आइए, इनके फ़ायदे हैं, ये प्रिंटर लंबे समय तक चलते हैं, पहला। ये प्रिंटर की क्षमता जो है प्रिंट करने की ज़्यादा होती है। दूसरा, लेज़र और इंकजेट प्रिंटर की तुलना में इसकी छपाई जो है प्रिंटिंग कॉस्ट कम होती है, प्रिंटिंग छपवाने की जो कॉस्ट है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू अदर। डॉट मैट्रिक्स के नुकसान भी और देख लेते हैं कि इनके नुकसान क्या क्या है, फ़ायदा है तो नुकसान भी होगा। तो दो तीन पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, दो तीन पॉइंट में से आप दो भी लिख देंगे तब भी इतना काम हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स का नुकसान, इनके जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, तो ये धीमी गति से चीज़ों को प्रिंट करते हैं, इनको जो प्रिंटिंग का है वो बहुत धीरे धीरे छापते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत देखने को मिलती है। हाई क्वालिटी वाली चीज़ों को प्रिंट नहीं कर सकते, जब बहुत अच्छी इमेज है, बैनर्स है, उनको ये प्रिंट नहीं कर पाते हैं। चीज़ों को प्रिंट करते वक्त जो है ज़्यादा शोर करते हैं, क्योंकि आवाज़ बहुत करते हैं, इम्पैक्ट में है ना ये, तो इम्पैक्ट वाले प्रिंटर आवाज़ करते हैं। इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, ये अच्छे से बिल्ड नहीं, मतलब प्रिंट कम समय में बहुत अच्छे से प्रिंट नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बारी के बाद बिना रुके आपको एक बार के बाद मतलब बारी बारी से सब कुछ बताती चल रही हूँ। आपको इस वीडियो को दो बार ज़रूर देखना है, प्रश्न आएंगे, प्रिंटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे प्रश्न बनता है, इसीलिए आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। एक बार में ना आए तो दो बार में देखिए, तभी आपको चीज़ें क्लियर होगी। चलिए, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया फटाफट पहले क्लास को लाइक करिए, एक फटाफट कहना ना पड़े इस चीज़ को आपको तुरंत, जिन्होंने कर दिया उन्हें नहीं कह रहे फ्रेंड्स, आप लोग वैसे भी डेली आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं सभी लोग टाइम पर आइए क्लास को लाइक करिए, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है, हेल्पफुल है मेरे लिए। क्लास कैसी है ज़रूर बताइएगा, आगे चलते इसी के साथ देखते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न भी, यहाँ पर एक छोटा सा है, क्या है प्रश्न यहाँ पर कि लेज़र प्रिंटर क्या है, एक दो नंबर का प्रश्न आपको बन जाएगा और उत्तर में आपको क्या लिखना है मैं आपको दिखा देती हूँ। लेज़र प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें कागज़ की स्याही के स्थान पर लेज़र बीम का प्रयोग किया है, बस इतना ही आपको एक नंबर में लिख देना है फ्रेंड्स, एक नंबर में। दो नंबर में आएगा थोड़ी और बातें इनके जो आपको लेज़र प्रिंटर में और क्या क्या होता है वो दो तीन पॉइंट लिख देंगे दो नंबर में, अगर एक नंबर में है इतना है आप लिख देंगे, इनफ है, इससे ज़्यादा आपको वहाँ पर लिखने के लिए वक्त नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए फिर आज की ये क्लास करते हैं हम ओवर यहीं पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। एक बार आप और देख लीजिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आए, कोई प्रॉब्लम होगी फिर आप मुझे बताइएगा, हम आपको उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? आज हमने क्या पढ़ा एक बार देखते हैं। आज हमने यहाँ पर पढ़ा इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जाना। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, तो ये नाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। फिर हमने इम्पैक्ट प्रिंटर की जो खूबियां होती हैं उनके बारे में जाना कि इनमें क्या क्या खूबी है जिसको हम लिख सकते हैं, तो इनकी खूबी का और महत्व का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी बातों को लिख सकते हैं। फिर हमने ये भी जाना कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं जिनका नाम हमको जानना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम अपनी ट्रेन को लेकर, तो हम चलते हैं यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या डिफरेंस होता है, जो कि दो नंबर के प्रश्न बनेगा, तो ये हमने पूरा अच्छे से देखा। फिर साथ ही साथ हम और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ चलते हैं, फिर हमने आज जाना है इंकजेट प्रिंटर के बारे में कि इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, उनके फ़ायदे भी हमने यहाँ पर देखे। फ़ायदे देखने के बाद फिर हम चलते हैं अपने आगे, तो बढ़ते हैं, हमारी मुलाकात होती है लेज़र प्रिंटर से। लेज़र प्रिंटर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनके बारे में हर एक चीज़ को जानते हैं। फिर लेज़र प्रिंटर से और आगे चलते हैं तो हम दोनों लेज़र और इंकजेट में क्या डिफरेंस है उसको बहुत देखते हैं। फिर साथ ही साथ और आगे बढ़ते हैं तो हमारी मुलाकात हो जाती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में हर चीज़ को हम देखते हैं, समझते हैं, इनका क्या फ़ायदा है, इनका क्या नुकसान है उसको जानते हैं। फिर आगे चलते हैं तो एक क्वेश्चन हमें भी वहाँ पर हमारे साथ टकरा जाता है, जो कि लेज़र प्रिंटर क्या है, तो आपको कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया। आज की इस क्लास को हम यहीं पर करते हैं ओवर। होपफुली क्लास अच्छी होगी, समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम होती तो बताइएगा। जाते जाते जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है लाइक करेंगे, और ये भी अपने ओपिनियन एक फीडबैक बताते हुए जाएंगे क्लास कैसी लगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून फ्रेंड, टेक केयर।